नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। खबरों की शुरुआत मोकामा से करते हैं। मोकामा के रेफरल अस्पताल में डॉक्टर और लैब टेक्नीशियन के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। घटना के बाद महिला टेक्नीशियन तरुणा कुमारी ने मोकामा थाने में लिखित आवेदन दिया है कि मोकामा रेफरल अस्पताल के डॉक्टर रंजन ने उनके साथ मारपीट और गाली गलौज किया है। वहीं मोकामा डॉक्टर रंजन ने भी महिला कर्मचारी पर मारपीट करने का आरोप थाने में लिखित शिकायत कर दिया है। रेफरल अस्पताल में लगे सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई है, जिसमें डॉक्टर महिला के साथ मारपीट करते नजर आ रही हैं। मोतिहारी में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस और ग्रामीणों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। मामला शिकारगंज थाने की है, जहां चिरैया सीओ के नेतृत्व में शिकारगंज थाना क्षेत्र के कठमलिया गांव में पुलिस के साथ नाला उड़ाही और अतिक्रमण मुक्त करने का कार्य चल रहा था। चिरैया सीओ सचिंद्र कुमार के साथ शिकारगंज थाना अध्यक्ष ललन कुमार सहित पुलिस टीम जेसीबी लेकर वहां पहुंची थी, जहां ग्रामीणों के एक पक्ष का दावा था कि नाला निजी जमीन पर निर्मित है और उसे सरकारी स्तर पर नापी कराया जाए, जिसके बाद इसकी उड़ाही कराई जाए। इसी बात पर पुलिस और ग्रामीणों के एक पक्ष के बीच झड़प हो गई। सहरसा जिले की मुखिया कुंती देवी के पति राजकुमार शर्मा को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि राजकुमार शर्मा अपने बाइक से कहीं जा रहे थे, तब इसी दौरान रामपुर बरकुड़वा चौक के समीप पीछे से अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और वहां से फरार हो गए। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस घटना की जाँच में जुटी है। मारे वाला के पता चल रहा है? मारे वाला पता नहीं चल रहा है। कौन ठमा गोली मार लेके के रहे? बेगूसराय में डीलर की मनमानी के खिलाफ सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया। तेघड़ा प्रखंड के पखटौल गांव में डीलर अर्जुन तांती के द्वारा मनमानी करने और राशन किरासन देने में धांधली करने के विरोध में पंचायत के वार्ड संख्या 8 और वार्ड संख्या 2 के ग्रामीणों ने पखटौल पिपरा रोड को जाम कर हंगामा खड़ा कर दिया। ऐसा क्यों किया? उसके बाद वह बोला कि क्या गलती हो गया, आइंदा नहीं होगा। नालंदा के एसपी नीलेश कुमार ने बिहार थाना में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर नीरज कुमार समेत 4 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। दरअसल पिछले दिनों मुंबई के व्यापारियों से साइबर क्राइम के जरिए 70 लाख रुपए ठगी करने के आरोप में बिहार शरीफ के खंदक पर से आरोपी नीतीश कुमार को पकड़ा गया था, जिसके बारे में इन लोगों ने अपने वरीय अधिकारियों को ना तो सूचना दी और ना ही उसे बिहार थाने लाई, जिस पर जांच के बाद एसपी ने सभी को निलंबित कर लाइन हाजिर कर दिया है। देखिए, उन्होंने एक दूसरे जगह के साइबर क्राइम से रिलेटेड एक अभियुक्त को पकड़ा था और काफ़ी पहले पकड़ा था और उसके बाद उन्होंने किसी भी वरीय पदाधिकारी को सूचना इसकी नहीं दी थी और पकड़ करके उसने थाने में न ले जा करके महिला थाने में उसको रखे हुए था। तो हमने इसकी जांच करवाई तो पता चला कि उन तीनों का कंडक्ट, 3 पुलिस और कर्मी और एक सब इंस्पेक्टर, उन तीनों का कंडक्ट संदेहास्पद था।
हालांकि वो एक्यूज जरूर था, इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को देनी चाहिए थी। बेगूसराय में बलिया पीएससी में भ्रष्टाचार, चिकित्सकों की तबादले सहित 28 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 3 दिनों से आम आदमी पार्टी के 3 कार्यकर्ता अनशन पर हैं। बलिया एसडीओ ऑफिस में जारी अनशनकारियों की हालात बिगड़ने पर उन्हें सदर अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बता दें कि बलिया अस्पताल में व्याप्त भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी के 3 कार्यकर्ता पिछले 3 दिनों से आमरण अनशन पर हैं। दो तीन दिनों से हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बलिया अनुमंडल स्थित पीएचसी में जो घोर अव्यवस्था और भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसको लेकर आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। और कल रात को पुलिस पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, वीडियो और सीओ इत्यादि पदाधिकारियों के द्वारा अनशन स्थल पर पहुंचकर हमारे अनशनकारियों के साथ और वहां तमाम उपस्थित जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे उनके साथ बदतमीजी की गई, उनके साथ मारपीट की गई, तोड़फोड़ करके हमें धरना स्थल को खत्म करने का प्रयास किया गया। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार कटिहार जिले के बलरामपुर प्रखंड मुख्यालय तेलता पहुंचे और फीता काटकर सूचना प्रौद्योगिकी भवन का उद्घाटन किया। इसके साथ ही मंत्री महोदय ने वृक्षारोपण भी किया। इस अवसर पर मंत्री श्रवण कुमार ने नीतीश सरकार की सभी योजना का सराहना की। नाम तो हमने नहीं पूछा, भूल गए उनका नाम, उसे पूछा कि कैसा लग रहा है, ये गांव के साधारण व्यक्ति, उससे जब पूछा कि कैसा लग रहा है तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा लग रहा है। और उनसे मैंने ये पूछा कि इस इलाके में ऐसा कोई किसी का घर है, तो कहा किसी का ऐसा घर नहीं है। तो आप सोच लीजिए कितना अच्छा, कितना खूबसूरत, कितना सुंदर और कितना लाजवाब है। मीनापुर थाना क्षेत्र के मदारीपुर कर्ण गांव में बच्चा चोर की अफवाह में एक युवक की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। युवक चिल्लाता रहा लेकिन भीड़ ने एक नहीं सुनी और पिटाई करती रही। युवक की हो रही पिटाई की सूचना पर छात्र राजद के जिला अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार ने काफी मशक्कत के बाद भीड़ से युवक को बाहर निकाला। ये सुबह 10 बजे के करीब जब हम दरवाजे पर थे तो बच्चा चोर का अफवाह करते हुए कुछ लोग जो थे दौड़ रहे थे। उसके बाद कुछ ही मिनटों में करीब 200 से ऊपर की संख्या में लोग दौड़ रहे थे, एक निर्दोष व्यक्ति को पकड़ करके पीट रहा था। जब हम वहां दौड़ करके पहुंचे तो लोग बेरहमी से पीट रहे थे। उसी कड़ी में हमने उसको बड़ी चालाकी से, बड़ी मशक्क़त के बाद हम उसको बाहर निकाल करके लाए और हम अपने दरवाजे पर एक रूम में रख दिए। उसके बावजूद लोग लगातार पीट रहे थे और हमारे दरवाजे पर करीब 100 से अधिक की संख्या में लोग विराजमान थे। उसके बाद हमने डीएसपी पूर्वी को सूचना दिया। उसके बाद डीएसपी पूर्वी को सूचना देने के बाद मैंने मीनापुर थाना प्रभारी को भी सूचना दिया। करीब 2 घंटा बाद थाना मीनापुर थाना के एक स्टाफ आए हैं और उसके बाद उसको ले गए। मुजफ्फरपुर के एक फाइनेंस कंपनी से अपराधियों ने दिन दहाड़े 17 लाख रुपए लूट लिए। बताया जा रहा है कि 3 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। वहीं इस मामले का विरोध करने पर कलेक्शन मैनेजर अजीत को बंदूक के बट से मारकर घायल कर दिया गया। डीएसपी राम नरेश पासवान ने बताया कि सीसीटीवी खंगाला जा रहा है और मामले की छानबीन की जा रही है। सब बोला कि हाथ पर करो अपना। उसके बाद फिर पूछा कि बीटीएल कौन है, बीटीएल और सीएम कौन है। तो फिर पहले उतर गया, फिर उसके बाद इधर आया, पूछा कि चाबी किसके पास है। तो चाबी पर हम उसको बोलते हैं गेट खोल लिया पहले, तो गेट खोल के हमको सब दिखाया। तो वो बोला कि ठीक है, कैश तो है नहीं, कैश कहाँ है, ज़्यादा कैश यहाँ से क्रेडिट कर चुका था सेम एस पर्सन से, तो क्रेडिट टैक्स लग चुका था। जानकारी मिली है कि 3 अपराधकर्मी एक बाइक से आए हैं और इसमें कुछ रुपये के लूट कर करके चले गए हैं। इसके अभी जांच करने के लिए आए हैं, पूरी डिटेल बाद में हम लोग बताएंगे। अभी कैश वगैरह कर रहे हैं, कैश बता देंगे, अभी आप जांच कर ही रहे हैं कितना क्या कैश है।
ये बता रहे होंगे, अभी काउंट करेंगे उसके बाद ही बताएंगे सही जानकारी। समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर प्रखंड क्षेत्र के ध्रुवगावा पंचायत अड़ैला गांव में शहीद सैनिक विनोद राय को श्रद्धांजलि देने छात्र लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रिंस राज पहुंचे। वहीं परिवार से मिलकर प्रिंस राज ने इस दुख की घड़ी में उनका साथ देने का वादा किया। बता दें कि जिला प्रशासन की ओर से शहीद सैनिक के सम्मान में श्रद्धांजलि देने कोई भी अधिकारी अड़ैला गाँव नहीं आया है। समस्तीपुर जिले में अपराधियों ने रेलवे के एक स्क्रैप कारोबारी सहित पत्नी और बेटी पर अंधाधुंध फायरिंग कर घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि कारोबारी के घर दो अपराधी आए और कुछ देर तक कारोबारी से बातचीत की और फिर बातचीत के दौरान ही अपराधियों ने कारोबारी पर गोली चला दी। वहीं पति को बचाने के लिए आई पत्नी और बेटी पर भी अपराधियों ने फायरिंग कर दिया और फिर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जाँच में जुट गई है। पूर्व से जानने वाले ही हैं, उन्होंने बताया, नाम बताया। तो इसमें कितने लोग घायल हैं? तीन लोग घायल हैं, एक बद्री जी हैं और उनकी पत्नी और उनकी बेटी घायल है। तीनों को गोली लगी हुई है सर? हाँ, तीनों घायल हैं। अच्छा, करीब 5-6 साल पहले इनके चचेरे भाई की भी हत्या हुई थी। कितने अपराधी इसमें शामिल थे? दो का सामने आया है। कुछ कारण समझ कुछ पता चला? उतना डिटेल अभी नहीं बताया। कोई गिरफ्तारी? फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहे बिहार न्यूज़। नमस्कार।